सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अनअकैडमी का जो आस्क अ डाउट फीचर है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करके अपने अनलिमिटेड डाउट्स बच्चों रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउ दिस हैज़ टू बी यूज्ड, कैसे हम इसको अपना बहुत ही यूज़फुल टूल बच्चों बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई भी मटेरियल बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी जो है DPP सॉल्व कर रहे हैं, एंड ये होता ही है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन की बहुत सारे क्वेश्चंस हमको नहीं आते हैं, तो वहीं पर हमारा ये अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर बहुत ज़बरदस्त बच्चों काम में आने वाला है। ये फ्री फीचर है बच्चों अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है बच्चों, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर वो फ्री प्लान को स्टार्ट करने के लिए मांगेगा आपसे कोड, तो आप मेरा कोड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, Ashish123। फिर आपका अनलॉक हो जाएगा बच्चों फ्री प्लान। ठीक है, और आस्क अ डाउट वाला जो फीचर है बच्चों अनअकैडमी का, वो एक तो आपके इसमें ऐप में है ही है, साथ में जो है वेबसाइट पे भी बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि जब आप लॉग इन करेंगे अपने फ़ोन नंबर से, OTP वगैरह आएगा, उसके बाद आप जो है वेबसाइट पे जाकर भी बच्चों आप डाउट्स पूछ सकते। पहले फीचर नहीं था, ये नया नया बच्चों फीचर आया है। और आपको करना होगा कि मान लीजिए आपने पहले से अनअकैडमी है, आपने इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अभी आपने उसको अपडेट नहीं किया है, तो उसका भी मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बच्चों, उसको आप यूज़ करिए। तो नया जो अपडेट आया बच्चों इस आस्क अ डाउट फीचर में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है, कैसे होता है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा बच्चों। तो देखिए नया क्या है, अब पहली चीज़ तो डाउट फीचर आपका वेब पर आ चुका है, एंड लर्नर्स कैन नाउ एक्सेस आस्क अ डाउट फीचर थ्रू द अनअकैडमी वेबसाइट एंड अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब आप 3 doubts एट अ टाइम बच्चों अपलोड, इसका क्या मतलब है कि वैसे तो अनलिमिटेड डाउट्स जो है आप पूछते जा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि जैसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं है, जैसे अनअकैडमी के डेटाबेस में मान लीजिए कोई क्वेश्चन, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि अनअकैडमी के डेटाबेस में नहीं है, तो फिर वो क्या कहता है आपको, बोलता है वेट, है ना, जब वो नया उसका जब सोल्यूशन आ जाएगा तब फिर वो आगे बढ़ता था। तो उससे क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे जो है अटक जाते थे उस क्वेश्चन में, अटक जाते थे, एंड दे वर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड, है ना। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं भी आया, तो आप फिर नए डाउट्स भी पूछ सकते हो। ऐसे मान लीजिए 3 questions जब आपके अटक जाएंगे, तब फिर वो नया सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि अनअकैडमी की जो डाउट टीम है, वो लगातार बच्चों सोल्यूशंस इन्हीं क्वेश्चंस का बनाती रहती जो उनके पास पहले से डेटाबेस में नहीं है, तो वो आपको एनी हाउ कुछ समय बाद मिल ही जाते। ठीक है, इसीलिए लिखा यू कैन पोस्ट 2 additional doubts वाइल वेटिंग फॉर योर सोल्यूशन। ठीक है, और नया फीचर क्या बच्चों, आप अपना सोल्यूशन प्रिफर्ड लैंग्वेज, यानी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश का सोल्यूशन, है ना, कि इंग्लिश में आपको सोल्यूशन मिले, तो उसका भी ऑप्शन है। आपको हिंदी इंग्लिश कंबाइंड में चाहिए, तो उसका भी है ऑप्शन, और केवल हिंदी में चाहिए आपको, तो उसका भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ करके कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के DPP सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई आपकी बुक है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको फ़ोटो खींचनी है, क्वेश्चन को जो है आपको बस सॉल्व करते जाना है, जो नए क्वेश्चन आएगा उसके फ़ोटो खींचे, सीखिए उसको, सीखिए कैसे हो रहा है, और पता है, और आपके पास इस सारे डाउट की लिस्ट भी बच्चों रहेगी, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो कैसे यूज़ करना है, तो पहले तो आपको जाके डाउट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन में जाना बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप या वेबसाइट, दोनों ही मैंने बताया आपको कर सकते हैं। इमेज अपलोड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने डाउट का, क्रॉप करिए, सेलेक्ट करिए सब्जेक्ट, और आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, और उसका फ़ोटो खींच के भी आप भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रिंटेड ही होना चाहिए, और फिर अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज और सबमिट करके इसको कर सकते हैं। आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा कुछ ही घंटों में, अगर वो मान लीजिए पहले से नहीं है, अगर वो है पहले से डेटाबेस में तो तुरंत ही आपको मिल जाएगा।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको लिंक दे दी है। अब कैसे करते लर्निंग ऐप में, वेबसाइट का मैं आपको पूरा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि कैसे होता है। अब ऐप का आप देखिए, पहले तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके उसको इंस्टॉल करिए इस तरीके से, है ना। वो तो पता ही आपको इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं, प्ले स्टोर में जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको आपको दिख रहा होगा डाउट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाला जो सेक्शन रहता है ना, इसके अंदर जब खोलेंगे तभी आ जाएगा वो डाउट्स एंड सॉल्यूशन यहाँ पर। तो फिर उसके बाद आप आस्क अ डाउट में जाइए, उसको क्लिक करेंगे तो आस्क अ डाउट, तो फिर वो फोटो मांगेगा आपसे, आप अपलोड करिए हाई रेजोल्यूशन फोटो ऑफ योर क्वेश्चन, है ना, यहाँ दिख ही रहा है आपको। फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का बच्चों बोलेगा कि फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि मैथ का है, फिर प्रिफर्ड लैंग्वेज आप बताइए और फिर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपको लैंग्वेज कैसे बोल रहा है, इंग्लिश दो, हिंदी दो, इंग्लिश दो। देखो हिंदी का सवाल, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उसमें भी करेगा हमारा ये काम। वाइल यू आर वेटिंग फॉर ए सोल्यूशन यू कैन पोस्ट अपलोड टू मोर डाउट्स, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन अटक गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आपको, आप जो है अगले डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको। अब आपके लिए बच्चों कोई भी बुक सॉल्व करना, कोई भी DPP, कोई भी टेस्ट पेपर, कहीं पे भी आपको डाउट है, किसी भी सेक्शन में डाउट है, सब रिजॉल्व हो जाएगा। अनअकैडमी आपके लिए इतना बेस्ट फीचर बच्चों लेकर आया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ करता हूँ बच्चों, दिखाता हूँ इसे रियलिटी। देखिए जब अनअकैडमी आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेल्फ स्टडी में ब्राउज प्रैक्टिस टेस्ट, इस समय मैंने IITJEE को सेलेक्ट कर रखा है, टेस्ट सिलेबस डाउट ऐसे क्लास 11th 12th 6th 7th जो भी है, नीट जो भी है, सब में ये चीज़ आपकी अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए आप, ये फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी भी फ्री लाइव क्लासेस बच्चों। और अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको पता ही होगा आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में भी जा सकते हैं मेरे। अब यहाँ देखिए डाउट्स एंड सॉल्यूशन, इसमें देखिए आ रहा है अपलोड एन इमेज और स्क्रीनशॉट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई एक मटेरियल निकाल लेते हैं, ये कोई मटेरियल है बच्चों, और जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए आपको डाउट आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको प्रिंट स्क्रीन करना है, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन करके आपको ऐसे कंट्रोल वी करके यहाँ जाना है। ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, इसको कॉपी किया हम लोगों ने, नई फाइल बना ली इसके लिए, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट में कर लिया, ये क्वेश्चन ऐसे कर लिया, कट किया इसको, अपलोड फ्रॉम एन कंप्यूटर ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे अपलोड कर लिया। देखें अब एक क्वेश्चन आपको क्रॉप करना है, ये देखें हमने ये क्वेश्चन ऐसे एक से ये क्रॉप कर लिया सारे ऑप्शन के साथ, ठीक है, दिखा आपको। अगर मान लीजिए ऐसे सीधा उल्टा तो रोटेट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में ऐसे जाइए। अब आपको बताना है कि किस चैप्टर, किस मतलब सब्जेक्ट का है, तो मैथ, मैथ का था ना, तो मैथ हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए इट इज़ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, बढ़िया सर्च कर रहा है, देखिए आप आ गया। तो देखिए तीन सॉल्यूशन आए जो एक 3 मिनट का सॉल्यूशन है जिसको 60% बच्चों ही हेल्पफुल इसको पाए हैं, एक 8 मिनट का है, ये हिंदी वाला था बच्चों 3 मिनट का, ये इंग्लिश वाला है आपका 8 मिनट का 100% इसको, और एक देखिए 2 मिनट का। अब आपको लगता है कि चलो 2 मिनट में समझते हैं इसको, है ना, नहीं समझ में आएगा तो आप देखना ज़्यादा समय का, फिर ये देखिए आप आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं, जो सबसे अगर
ठीक है। अब जैसे दूसरा, तो एक से ज़्यादा आप सोल्यूशन देख सकते। ये देखिए, तो एक से ज्यादा मतलब आप सोल्यूशन पा सकते हो बच्चों। इसके सॉल्यूशन पता है, देखो जब भी फंक्शन अलग अलग, मतलब जब भी फंक्शन में ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन, तो आप हर फंक्शन को अलग अलग बिल करेंगे और उसका अगर आप बना के सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमेशा यही करेंगे, ठीक है। टू एक्स और यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री को इधर ला दो, तो ये किधर, ये लॉग वाला फंक्शन अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस मॉड ऑफ एक्स का, दिस इज द बेस्ट। अब देखिए इस बात, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इसको अलग से डील कर लो। तो आपको पता ही होगा कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, देखो दोनों कितने बार इंटरसेक्ट करते हैं। तो ग्राफिकल शायद कई बच्चों को ग्राफ वाला नहीं समझ में आता हो, ग्राफ उनका नहीं मौजूद हो, इसलिए 60% यहाँ पर, इसलिए आप मतलब अपने हिसाब से देखें, ज़्यादा इस पर मत जाएं, ठीक है। हो सकता है यू लाइक दिस सोल्यूशन ऑल्सो, तो समझ में आया। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और नीट में रहें तो बायोलॉजी के भी डाउट्स वगैरह आप इस तरीके से बच्चों क्लियर कर सकते। तो आई थिंक ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से आपके डाउट्स बच्चों आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं। आप कितने बार परेशान रहते हैं कि ये चीज़ नहीं आ रही, अब क्या करें, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अटक गया, तो क्या करें। अब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आपके सारे डाउट्स बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।